गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू द रिवीजन ऑफ चैप्टर 15 दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक जो वर्ड है उसका क्या मतलब है डेमोक्रेटिक मींस पीपल हैव द राइट टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब है कि लोगों को अपनी गवर्नमेंट uh, चुनने का अधिकार है ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डज फ्रेटर्निटी मीन फेटर्निटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क इन द सेम इंडस्ट्री फैटर्निटी का मतलब होता है कि जब कई सारे लोग एक ही ग्रुप में काम कर रहे हो या सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड वी परफॉर्म आर फंडामेंटल ड्यूटीज फेथफुली हमें अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उन्हें फेथफुली क्यों परफॉर्म करना चाहिए वी शुड परफॉर्म आर फंडामेंटल ड्यूटीज फेथफुली फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आर नेशन हमें अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उन्हें फेथफुली इसलिए परफॉर्म करना चाहिए ताकि हमारे जो नेशन की प्रोग्रेस हो सके उसकी ग्रोथ हो सके ठीक है नैक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन राइट ऑफ इक्वलिटी राइट ऑफ इक्वलिटी पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड देर इज नो डिस्क्रिम डिस्क्रमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट सी कास्ट सेक्स स्टेटस एंड रिलीजन राइट टू इक्वलिटी का मतलब है कि जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं सब एक जैसे हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा को, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी की कास्ट या उसके सेक्स या स्टेटस या धर्म या रिलीजन के बेस पे ठीक है ना लास्ट क्वेश्चन इज वॉट डू यू मीन बाय सेक्युलर सेक्युलर मीन्स दैट द पीपल ऑफ कंट्री हैव द राइट टू फॉलो एन रिलीजन सेकुलर का मतलब है कि लोगों को अपनी कंट्री में मतलब हमारी कंट्री में लोगों को यह अधिकार है कि वो कोई भी रिलीजन uh, फॉलो कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सो थैंक यू क्लास